गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं हिंदी सेकंड की पार्ट 3 गान युद्ध का सारांश बताऊंगी। गान युद्ध सुदर्शन द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी का सारांश जानने से पहले थोड़ा सा सुदर्शन जी के बारे में मैं बता देती हूँ। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, सन 1896 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना था। ये मूलतः उर्दू में लेखन करते थे। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार है। इनका निधन सन 1967 में हुआ था। इसके बाद मैं आपको गान युद्ध के पात्र यानी कि कैरेक्टर के बारे में बता दूं। इसमें जो पहला कैरेक्टर था अकबर, जो एक मुगल बादशाह था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो महान गायक थे। साधुओं की एक मंडली थी जिसमें एक साधु बैजू के पिता भी थे। अबोध बालक जिसमें जिसका नाम बैजू रहता है, और शंकरानंद बैजू के गुरु। इतने इस पूरी कहानी में इतने पात्र हैं। इन्हीं पात्रों के बीच कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। अब मैं गान युद्ध कहानी का सारांश बताऊंगी। आशा करती हूं कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और कंठस्थ करेंगे। प्रस्तुत पाठ में सुदर्शन जी ने तानसेन और बैजू बावरा के बीच हुए गायन मुकाबले का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तानसेन अकबर के प्रमुख गायक थे और उनके चहेते भी थे। उनके अभिमान को बैजू बावरा ने न केवल तोड़ा, अपितु गायकों के आगरा की सीमाओं में प्रवेश करने पर लगी रोक को भी हटवा दिया। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि साधुओं की एक मंडली आगरा की सीमा के अंदर प्रवेश करती है। साधुओं की जो मंडली थी वह बिल्कुल स्वतंत्र प्रकृति की थी। सभी साधु हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। वे हरि भजन कीर्तन गाते हुए आगरा नगर में प्रवेश करते हैं। उनको सुरताल से कोई लेना देना नहीं था। वे साधु गाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि सिपाहियों ने आकर उन्हें हथकड़ियां पहना दी और अकबर के दरबार में प्रस्तुत कर दिया। अकबर के प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो भी मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी अगर नहीं कर सका तो वह आगरा की सीमा के अंदर न गाए, और यदि उसने ऐसा किया तो मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। बेचारे वनवासी साधुओं को पता न था, उन्होंने बेसुरे आवाज में ही हरि कीर्तन गा दिया। उनकी अज्ञानता ही उनके लिए अपराध हो गया। साधुओं की मंडली को दरबार में पेश किया गया। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उन प्रश्नों के उत्तर न दे सके, जिसके कारण अकबर ने उनकी सजा तानसेन की दया के ऊपर छोड़ दिया। तानसेन में दया की भावना न थी। उसने साधुओं की पूरी मंडली को मृत्युदंड की सजा दी। उनमें से एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया, क्योंकि वह एक अबोध बालक था। अबोध का मतलब होता है अ मतलब नहीं, बोध मतलब ज्ञान, यानी कि जिसको ज्ञान न हो। वह अबोध बालक इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। उस बालक का नाम बैजू था। वह बालक रोता हुआ आगरा की बाजारों से निकला और अपनी कुटिया में आकर अपने पिताजी को याद करके रोने लगा। उसी समय उसकी कुटिया में बाबा शंकरानंद जी आए और बोले, बेटा बैजू शांत हो जाओ। बैजू ने बाबा शंकरानंद से सारी बात बताई।
शंकरानंद जी ने बैजू को उठाया और गले से लगाकर कहा, मैं तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तुम अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकते हो। बैजू खुशी से उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शस्त्र? शंकरानंद जी ने कहा, इसके लिए तुम्हें 12 वर्ष की तपस्या करनी होगी। वह बालक 12 वर्ष की तपस्या करने के लिए तैयार हो गया। शंकरानंद जी ने बैजू को ज्ञान विद्या की पूर्णतः शिक्षा दी। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। बैजू अब तरुण मतलब बड़ा, अब बड़ा हो चुका था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। अब वह जब वह गाता था तो पत्थर पिघल जाते थे और पक्षी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, अब तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू तैयार हो गया। उसने कहा, आज्ञा करें गुरुदेव। शंकरानंद जी ने कहा कि प्रतिज्ञा करो कि इस राग विद्या से किसी की हानि नहीं पहुंचाओगे। बैजू इस प्रतिज्ञा को सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वह इस विद्या के द्वारा तानसेन से अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना चाहता था। कुछ दिन बाद बैजू उसी आगरा नगर में गाते हुए प्रवेश करता है। उसकी आवाज़ में इतना जादू था कि सभी नगरवासी उसके पीछे पीछे तानसेन के महल तक पहुंच जाते हैं। लोगों को लग रहा था कि बैजू अज्ञानतावश स्वयं मृत्यु के दरबार में आ पहुंचा है, लेकिन ऐसा नहीं था। बैजू पूरे 12 वर्ष की तपस्या के बाद उस नगर में प्रवेश किया था। तानसेन बाहर निकला और अपार भीड़ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तानसेन ने कहा, तुम्हारे सिर पर आज मृत्यु सवार हो रही है, इसीलिए तुम यहाँ गाते हुए चले आए। बैजू ने कहा, मुझे आपसे गान विद्या पर चर्चा करना है। तानसेन ने कहा, ठीक है, अपनी इच्छा पूरी कर लो। यह बात तय हुई कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में दोनों का गान युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो मृत्यु दंड देने का अधिकार पूर्ण रूप से तानसेन का होगा, और यदि तानसेन हार गए तो उनका जीवन बैजू के हाथ में होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सभी नगरवासी इस गान युद्ध को देखने के लिए एकत्रित हो गए। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। दोनों योद्धाओं में गान युद्ध शुरू हुआ। तानसेन ने कुछ प्रश्न पूछे, बैजू ने उचित उत्तर दिया। बैजू की उंगलियां जब सितार पर दौड़ी तो हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू के पास आकर खड़े हो गए। बैजू तल्लीन होकर सितार बजाता रहा और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतार कर हिरणों को पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुधि आ गई और चौकड़ी भरते हुए भागकर वृक्षों में छिप गए। बैजू ने कहा, तानसेन फूल मालाएं पहने हुए हिरणों को अब यहाँ दोबारा बुलाकर दिखाएं, तब मैं आपको संगीत विद्या के में पूर्ण मानूंगा। तानसेन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और सितार को पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा, किंतु वह हिरण को अपने पास न बुला सका। अब तानसेन के आंखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। वह पसीना पसीना हो गया। अकबर का तानसेन से बहुत प्रेम था। उसकी मृत्यु को निकट देखी तो वह उसका कंठ भर आया, लेकिन वे क्या कर सकते थे। तानसेन सत जो हार गया था, वे विवश होकर उठे और संक्षेप में अपना निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा की विजय हुई और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। यह वही व्यक्ति था जो दूसरे को मृत्यु के घाट उतारते हुए कभी दया नहीं आई थी। उस समय बैजू से दया के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू ने कहा, जहां अपना मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है, आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि जो आगरा के सीमाओं के अंदर गाएगा, यदि तानसेन से हार गया तो मरवा दिया जाएगा। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी और इसी क्षण से मैं खत्म करने की इजाज़त देता हूँ। तानसेन बैजू बावरा के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, यह उपकार मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। तब बैजू बावरा ने कहा,
12 वर्ष पहले की बात याद है तुमने? तुमने मेरे पिताजी के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है। यही बैजू बाद में चलकर बैजू बावरा नाम से प्रसिद्ध गायक हुआ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि गान युद्ध की कहानी का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से अपने बुक में से पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, आपने पूरी कहानी सुनी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आइए इसे भी जानते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हिंसा के बदले में की गई हिंसा यानी कि बदला या किसी के लिए उचित नहीं है। व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए। जिस प्रकार बैजू बावरा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, उसमें हिंसा का कोई भाव नहीं था और उसका बदला भी पूरा हो गया। तानसेन का घमंड भी टूट गया। इसलिए बच्चों, हमें भी क्षमाशील बनना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति का अद्भुत गुण है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को गान युद्ध कहानी का सारांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।